सपना ये इंडिगो की एक्स क्रू है ठीक है ये भी इंडिगो में हमारे साथ थी हे एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दोज वू न्यू हाय आई एम खुशी मल्होत्रा एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट अ डे इन अ लाइफ ऑफ अ ट्वीनी कैबन क्रू आप सभी ने मुझे यूनिफॉर्म में देखा है क्राफ्ट में देखा है ले पे देखा है बट आज मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगी कि एज अ ट्वीनी कैबन क्रू क्या लाइफ होती है क्या स्कैड्यूल है क्या रूटीन है और कितना पढ़ना पड़ता है वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में बट एक और चीज़ आपको दिखाऊँगी वो है एयर इंडिया की एविएशन अकाद So, मुझे खुद नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है या नई अकेडमी बन रही है एविएशन अकेडमी है, है हमें गुड़गांव जाना है ट्रेनिंग के लिए सो आई गॉट वेरी एक्साइटेड बट एक डाउट भी था हम सबके मन में कि वो काफी दूर है सेक्टर सेवेंटी फाइव में है तो हमें बहुत टाइम लगने वाला है जाने के लिए सो so एक और मेरे मन में सवाल था कि हमें कैब मिलेगी या नहीं क्योंकि मैंने सुना था वो काफ़ी दूर है और अगर कैब नहीं मिलती तो इतनी दूर आना जाना बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि वहाँ मेट्रो भी नहीं जाती है आई गेस तो काफी लोगों को ये नहीं पता होगा कि इनिशियली जब मैंने ज्वाइन करा था एयर इंडिया अभी तो काफ़ी टाइम हो चुका है ट्रेनिंग में मुझे पाँच महीने हो चुके हैं हाँ ऑलमोस्ट फाइव मंथ्स मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ बट ट्रेनिंग अभी भी काफ़ी बाकी है सो so, एयर इंडिया में अगर आप आ रहे हो तो पेशेंस के साथ आना क्योंकि ट्रेनिंग कंप्लीट होने में पाँच से छः महीने आपको लगेंगे ही लगेंगे पर चीज़ें काफ़ी बेटर होती जा रही है मेरे को पाँच छः महीने हो गए हैं तो मैंने जो चेंजेस देखे हैं मैं वो आपको बताती हूँ जब मैंने ज्वाइन करा था तो मुझे ऑलमोस्ट तीन या चार महीने तक कैब्स नहीं मिलती थी सिर्फ और टाइमिंग्स पर कैब हमें मिला करती थी अगर अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग है या फिर हमारी छुट्टी रात में हो रही है सात आठ बजे अंधेरा है तब हमें सिर्फ कैब लेने या छोड़ने आया करती थी बट अब एयर इंडिया दोनों साइड कैब प्रोवाइड कर रहा है दिन है रात है दोपहर है शाम है कैब आपको आने जाने के लिए मिलेंगी ही मिलेंगी आपकी ट्रेनिंग में सो येस कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज जो नया नया आ रहा है एयर इंडिया में ज्वाइन हुआ है आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेटर होंगी और होती जाएंगी सो so, बातें करते करते आई एम ऑलमोस्ट रेडी आई गेस मैं आज जल्दी ही रेडी हो गई हूँ क्योंकि कैब वाले सर का कॉल नहीं आया है अभी तक बट जल्दी रेडी होना ज़्यादा अच्छा रहता है अगर मैं खुद कैब लेट बोर्ड करती हूँ तो काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे क्योंकि मेरा पहले पिकअप होता है देन जो बाकी कलीग्स हैं मेरे उनका पिकअप होता है कभी कभार तीन क्लबिंग होती है, कभी चार क्लबिंग होती है तो ऑलमोस्ट काफी वेट कर रहे हैं मेरा इंतजार खत्म हुआ एंड एक और चीज मैं भूल गई हूँ काजल लगाना जो कि एयर इंडिया में कंपल्सरी है ऑल्डो मेरी ग्रूमिंग क्लासेस अभी हुई नहीं है बट देन ऑल्सो मुझे काफी टोका जा चुका है काजल के लिए so, हमारी गई गाड़ी और हमारे सर हम सर को करते हैं गुड मॉर्निंग और रवाना होते हैं हमारे ट्रेनिंग सेंटर के लिए एवियेशन अकेडमी एंट्रेंस आप देख चुके हो ये जो व्हाइट बोर्ड गया है अभी उसमें हमारा बैच नंबर और क्लास नंबर लिखा होता है हम क्रॉस चेक कर सकते हैं कहाँ पे कौन सी क्लास लगी है और ये है मेरे फ्रेंड्स कृति और ज्योति वाइट वाली कृति है ब्लू वाली ज्योति है एंड एक और हमारी दोस्त है वो है आफरीन जो कि यहीं कहीं है अपने में कहीं बिजी यस सो अब हम जा रहे हैं क्लास हमारी क्लास होगी देन लंच ब्रेक होगा देन क्लास होगी देन छुट्टी होगी और बीच में दो कॉफ़ी ब्रेक्स हमें मिलते हैं ही सारी पढ़ाई करने के बाद हम लंच ब्रेक पे जा रहे हैं क्योंकि ये सबसे लंबा ब्रेक होता है हमारा ऑलमोस्ट थर्टी थर्टी फाइव कभी कभार इंस्ट्रक्टर का मूड अच्छा हो तो वो फोर्टी मिनट्स का भी हमें ब्रेक दे देते हैं और यहाँ पे लगती है लाइन हमें खाना लेना पड़ता है घर से खाना लाना चाहो तो आप ला सकते हो मुझे नहीं मिलता है टाइम सुबह सुबह उठ के खाना बनाने का तो मैं यहाँ के खाना खाती हूँ और एम्प्लॉय कोड लगा के खाना भी आपको फिफ्टी सिक्स टू सिक्सटी रुपीज़ में मिल जाता है और काफ़ी अच्छा खाना मिलता मिलता है यहाँ पे और ब्रेकफास्ट भी काफी अच्छा होता है तो so, खाना वाना खाने के बाद हम वापस से क्लास में चले जाते हैं एंड अब हमारी हो रही है एक्टिविटी क्योंकि कैबिन सर्विस है तो बहुत सारी गेम्स बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं इंस्ट्रक्टर्स सो so, फाइनली दिन खत्म हुआ मैं ढूंढ रही हूँ अपनी कैब ताकि मैं कैब बोर्ड करके जल्दी जल्दी अपने घर जा सकू एंड आज का दिन अगर मैं कहूँ तो बहुत थका भरा रहा क्योंकि इतने लंबे टाइम तक बैठ के पढ़ाई करना मुझे काफी मुश्किल लगता है स्कूल टाइम्स में तो मैं मैनेज कर लेती थी, थी बट अब जाके मुझे बहुत टायरिंग लगता है कि मैं सुबह से शाम तक बैठी रहूं और पढ़ती रहूं बट क्या करें पढ़ना तो पड़ता ही है अब मैं उतार रही हूं अपना मेकअप क्योंकि मेकअप अप्यु, रिमूव मेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर स्किन मेरी स्किन तो ऑलरेडी आपको पता ही है एक्ने प्रोन स्किन है काफ़ी सेंसिटिव है तो काफ़ी ध्यान देना पड़ता है मुझे सो बहनों और भाइयों अगर आप मेकअप यूज करते हो तो सोने से पहले अपना मेकअप जरूर रिमूव करें और मेरी जैसी हरकतें ना करें आई नो आई एम डूइंग सुपर थिंग्स जस्ट अवॉइड मी अभी के लिए सो so, काफ़ी लोगों ने मुझे इंस्टा पर स्पेशली मैसेज किया है मेरे पोस्ट पर कॉमेंट किया है कि आपका हेयर केयर रूटीन क्या है सो so, अगर आप लोगों को सच में मेरा हेयर केयर रूटीन जानना है सो so, प्लीज़ कॉमेंट करके बताएं सो so, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं एक हेयर केयर रूटीन पर भी वीडियो बनाऊँ सो मेकअप रिमूव करने के बाद हम करेंगे फेस वॉश देन स्किन केयर और उसके बाद हम बनाएंगे सबसे मेन खाना खुद के लिए खाना बनाना मुझे काफ़ी इजी लगता है क्योंकि खुद के लिए तो हम कुछ भी बना के खा सकते हैं कुछ भी यानी अनहेल्दी नहीं हेल्दी ही खाएंगे सो so, मैंने सोचा है मैं बनाऊंगी सिंपल से दाल चावल सो so, दाल चावल के साथ मैंने सोचा था कि मैं सब्जी भी बनाऊँगी बट सब्जी बनाने का टाइम नहीं मिला क्योंकि उसके बाद मुझे था पढ़ना और एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ कि दाल चावल इतने यम बने थे इतना टेस्टी खाना मैंने आज तक नहीं बनाया था और ये इतना टेस्टी इसलिए बना था क्योंकि नेक्स्ट मुझे पढ़ाई करनी है और कल मेरा एग्ज़ाम है और जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स पास आते हैं या मुझे पढ़ना होता है तब मुझे पढ़ाई छोड़ के सारी चीज़ों में इंटरेस्ट आता है सो so, फाइनली मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ और मेरी एक आदत है कि मैं हमेशा लिख लिख के पढ़ाई करती हूँ बिना लिखे मुझे कुछ भी याद नहीं रहता आई नो काफ़ी लोग कहते हैं कि बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है ये प्रोसेस बट जिन लोगों की फ़िश मेमरी है, मेरी तरह जिनको नहीं याद रहता काफी लंबे टाइम तक चीजें नहीं याद रहती वो जरूर लिख लिख के पढ़ना ट्राई करें काफी चीजें याद रहेंगी और आपको एग्जाम्स में काफी मदद मिलेगी सो so, कल एग्जाम है और नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मैं सोऊंगी नहीं तो ढंग से मैं कल उठ भी नहीं पाऊंगी जल्दी सो so, एक से दो घंटे पढ़ने के बाद बाकी रिवीजन मैंने कल सुबह पे छोड़ दिया और अब मैं फाइनली जा रही हूँ सोने ऐसा मेरे साथ बहुत बार होता है कि जैसे ही मैं पढ़ाई करने बैठती हूँ उसके बाद मुझे इतनी तेज नींद आती है जैसे मैं अभी बेड पर जाऊँगी और अभी सो जाऊंगी बट जैसे ही मैं बेड पर जाती हूँ और मुझे नींद नहीं आती है सो एंड ऑफ द डे हम कर लेते हैं एक छोटी प्रेयर क्योंकि भगवान से बात करके हमें बहुत अच्छी नींद आएगी और कल सुबह भी, so really भी नहीं पोस्ट कर रहे हो मैं सारे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ बट आई एम रियली सॉरी स्केड्यूल की वजह से एग्जाम्स की वजह से मैं नहीं शूट कर पाई बट आई एल मेक श्योर कि अब मैं रेगुलरली शूट करूँ और आपको अपडेट देती रहूँ सो दैट्स इट थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग एंड डू लेट मी नो इन कॉम्स section what do you want next like subscribe and comment bye bye